तो सबसे ज्यादा विकेट जो पूरे मैच मिले हैं मलबार के कप्तान तौफीक भाई हमारे हैं, जिन्होंने कप्तानी पारी खेली और सबसे ज्यादा विकेट दिलाई अपनी टीम को। तो मैन ऑफ द विकेट के रूप में इन्हें दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे, इतने बढ़िया आप गाय, बहुत आगे बढ़िए, आप बहुत आगे जाइए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग इसी गांव में पहुंच गए हैं। आज हम लोग का फाइनल मैच है एंड आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गाइस, हम लोगों का आज लास्ट मैच है और वो भी फाइनल है। और जो भाई लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं, फटाफट फॉलो कर लें और शुरू से एंड तक देखना। एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ले लो, ग्यारह गांव से ग्यारह प्लेयर ले जाओ। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो कोई नाम की मोहताज नहीं, बस्ती से चल करके इस छोटे छोटे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बस्ती के राजा श्री और राजा अशोक राज सिंह हम सबके बीच में होंगे, जो जीती हुई टीम को मैच को प्रख्यात करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप फौलादी से डरते रहते हैं, एक मिनट भाई, जब आप फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और जिस तरीके से उनके पश्चिम हमारे गांव के ही हमारे पिता सही पिता में यहाँ पर मौजूद है और आज उनका गांव ने फाइनल मुकाबला जीती है। खान के पिछले कलम में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और यही कहूंगा कि अब अपने हाथों से हमारे नेताजी जो है खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से राजा सुरराज सिंह का बहुत बहुत दिल की गाड़ियों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यूट्यूबर का भाई तुम ही वीडियो बनाओ तो देख ली। चल सिखा रहे मेरा अनुरोध है कि अपने 11 सदस्यीय टीम लेकर के कप्तान सचिन भैया लाइन लग जाए और खान क्रिकेट क्लब मलबार के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि अपने 11 सदस्यीय टीम लेकर के एक लाइन में खड़े हो जाइए। ये नोटबंदी वाली लाइन नहीं है भैया, ये जीत वाली लाइन है। आप लोग परेशान ना होइए, ये नोटबंदी नहीं लेने जा रही है। आप लाइन से खड़े हो जाइए। अरे अरे हुआ नहीं आ जाए तो बहू, हारे वालन के आ जाए तो हारे वालन के बुला यार फिरिया। और
जहाँ कहीं पर भी हो आगे आ जाइए आप। और क्या ये सब भारतीय युवा है, बस बस अब यही युवा से उम्मीद करते हैं कि काले अंग्रेजों को भी भगाना इस देश से इस बार। तो मैं ना मैच के हकदार अगर और आपके कुछ नसीबों की बस्ती से चल करके राजा अशोक राज सिंह आपको मैं ना मैच दे रहे हैं, इससे बड़ा आपका और कुछ नहीं हो सकता। तो आज राजा साहब का धन्यवाद आपके साथ में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार के जैसा कि ये सारे मैचों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए थे इसीलिए इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बनाया गया है। तो खान करके कलम मंगवा के कैप्टन जहां कहीं भी हो आ जाए आगे। तो सचिन भाई हमारे जो ये है उप विजेता टीम के कप्तान है, आपकी टीम बहुत ही अच्छी खेली भाई, ये विजेता वाली टीम है कप्तान तौफीक। तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच मैन जो कप्तान हमारे तौफीक भाई उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। तो खान क्रिकेट कलम मलबार के कप्तान को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है बस्ती के राजा सूर्य राजा अशोक राज सिंह के द्वारा। और अब उप विजेता कप्तान सचिन को भी एक मिलन दिया जा रहा है बस्ती के राजा सूर्य राजा अशोक राज सिंह के द्वारा। अरे देखते ना हार गया बेचारा, कहीं यहाँ तक सोच रहा सचिना वही पी गई तो बढ़िया। सचिन ही भाई का तो सबसे ज्यादा विकेट जो पूरे मैच मिले हैं मलबार के कप्तान तौफीक भाई हमारे हैं जिन्होंने कप्तानी पारी खेली और सबसे ज्यादा विकेट दिया है अपनी टीम को। तो मैन ऑफ द विकेट के रूप में इन्हें दिया जा रहा है, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर के रूप में इन्हें ये अवार्ड मिला। ये कौन चेंजर है? तो पर्पल कैप के रूम में इन्हें कप्तान खान के कलम मलबार के कप्तान को दिया गया। हर जो विजेता टीम है भाई कतार में खड़े हो जाए उन्हें भी सम्मानित करना है। खान क्रिकेट क्लब मिसरौलिया के इस ग्राउंड पर मलबार ने दो विकेटों से जिस तरीके से फाइनल मुकाबला जीता है काफी सराहनीय रहा है। और दूसरी टीम ये कहाँ खड़ी है? अरे भाई आप लोग तो रहिए आगे, प्रधान जी भी है, प्रधान जी का काफी योगदान रहा इस मैच में, लगातार युवाओं का हौसला बढ़ाया इन्होंने। मैं पूरी कमेटी की तरफ से पूरे कप्तान हरदास इंदर कालिक और मलबार के कप्तान टीम का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय इस ग्राउंड पर दिया। उप विजेता टीम के खिलाड़ी जो है ये है इनको सम्मानित किया जाना है। तो मुख्यमंत्री के प्रधान जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है उप विजेता टीम को। और सचिन जी जिन्होंने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी लेकिन
पारी जरूर यादगार रहेगी इस फाइनल मुकाबले में। तो कप्तान सचिन को सम्मानित किया जा रहा है मेडल पहना करके प्रधान जी के द्वारा। तो प्रधान जी के द्वारा शंकर भाई को हमारे सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने काफी योगदान दिया अपनी टीम के लिए। अब विजेता टीम के कप्तान और उनके 11 सदस्य खिलाड़ी एक लाइन में खड़े हो जाएं। मलवार कप्तान तौफीक अपने खिलाड़ियों को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। तो प्रधान जी के द्वारा और गोबर बहुत गलत है काट पीट के लाल मलवार कप्तान तौफीक को सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर यूट्यूब ब्लॉगर जहाँ कहीं पर भी और वीडियो शूट करते रहिए आप, इनका भी काफी योगदान रहा है। और तौफीक कप्तान को सम्मानित किया जा रहा है। और तौफीक भाई जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे और काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए और काफी योगदान रहा इनका अपनी टीम के लिए, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। उसी कतार में छोटू भाई जो बेस्ट कैच आज द मैच में दिया गया, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़े अपनी टीम के लिए। और आधार भाई जो गेम चेंजर के रूप में योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 5 छक्के जबरदस्त लगाया, वहीं पर उत्साह बढ़ा अपनी टीम का। और जमीन जो शुरुआती ओवर में काफी कुछ योगदान दिया अपनी टीम के लिए। मुन्ना भाई हमारे सम्मानित किए जा रहे हैं प्रधान जी के द्वारा। जमाल और लाले जो लास्ट बॉल पर अपनी टीम को मैच जिताया। अब इसी बीच अनस और अब उमर बचे हुए हैं और इनको भी सम्मानित किया जा रहा है उमर को। चलो ये पनिया खोल याद भी आने हरदास भाई बैठो। शादाब शकील भाई शादाब बहुत अच्छा लगा आपसे, इतने बढ़िया आप गाए, बहुत आगे बढ़िए आप, बहुत आगे बढ़िए। चलो एकदम चलो चलो पिछमे चलो पिछमे फाइनली गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट करने। देखिए सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। गलत बात हो तो ठीक यार, नहीं अरे गलत बात हो तो लकड़ी हेलो। शाम को जितने कार्यकर्ता है यहाँ पंचायत भवन के भोजन का व्यक्त करेगा, शादाब करेंगे, भंडारी रहेंगे प्रमोद। तो गाइस अभी यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, देखिए
रहे हैं अभी हम लोग, घर जा रहे हैं सब लोग। देखिए सब बाइक वाइक निकाल रहे हैं लाइन से। फाइनली गाइस अभी हम लोग चौराहे पे पहुंच गए हैं, चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं। दोपहर का कुछ खाया नहीं है, लंच वंच कुछ भी नहीं किए हैं। तो ये मोनू दुकान पर, इनको देखो, मजा आया कि नहीं? बहुत ज्यादा भाई, बहुत मजा आया। आमिर